karaoke. तो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो अभी हमारी रोड ट्रिप शुरू हो चुकी है, बोले तो हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स हमारी जर्नी के लिए, जो कि है स्पीति वैली। बहुत बढ़िया जर्नी होने वाली है। बाबा जी कृपा करना, जिमें जा रहे हैं वही लेके आना। तो अभी आए हैं हम फर्स्ट पेट्रोल पंप पे जो कि बंद है, अगले पेट्रोल पंप पे जाते हैं। क्या हुआ? क्यों क्यों? अरे क्यों मेरे भाई, क्यों लेट आने हैं? लेट आने हैं। अच्छा कितने बजे खुलेगा? 6:10। टाइम क्या हुआ? 55 है। 55 पक्का। अच्छा चलो आगे देखता हूँ फिर। तो भाई मेरे अभी आने हैं रेट, जिसके वजह से अभी ओपन है, वो मतलब क्लोज है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये कूड़ादान थोड़ा छोटा था, ये भी बड़ा हो गया। तो दिन ब दिन लगता है कोई पानी डाल रहा है इसको, जैसे पानी डालते पौधा बड़ा हो जाता है, कूड़ादान भी बड़ा हो रहा है। सो भाइयों 100 किलोमीटर हो चुका है, मैंने दिखाया नहीं, मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग में दिखाऊंगा। तो हम जब चले थे तो हमारी बाइक की रीडिंग थी 30,970, तो अभी हो गई है 31,080। 100 किलोमीटर हो गया, अभी तक एक भी स्टॉप नहीं लिया है और नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट स्टॉप हमने लेना है सीधा 200 किलोमीटर के बाद। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न कोई नहीं है, बस हमें फटाफट से ये दिल्ली तो खैर निकल गई है, हरियाणा फटाफट से कवर करना है और फटाफट से शिमला वाली रोड पे चढ़ना है। अभी क्या हुआ, मैं रास्ते में देखता हूँ तो पुलिस की गाड़ियों का बहुत तगड़ा काफिला निकला है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी कैदी को लेके जा रहे हो यहाँ इसमें, क्योंकि मंत्री टाइप वाली कोई गाड़ी तो मुझे दिखी नहीं। मंत्री टाइप वाली गाड़ी होती तो समझ आता कि हाँ भाई कोई पॉलिटिशियन है, लेकिन कोई पॉलिटिशियन टाइप वाली गाड़ी नहीं है। जितनी गाड़ियाँ थी पुलिस की थी वो आगे चले गए, बेसिकली जगह बना के इनको निकाला गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। कोई नहीं, देखते हैं आगे, अगर मिले तो फिर दिखाऊंगा मैं आपको। ये रोड ट्रिप ना बहुत सी खास होने वाली है, क्योंकि ये एक तो स्पीति कंप्लीट सर्किट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, सेकंड जो मेन बात है सोलो राइड। तो बहुत टाइम से मैं सोलो राइड करना चाहता था और अभी मुझे मौका मिला सोलो राइड करने का। जब भी कोई राइड होती है ना, उसका फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि फर्स्ट डे हमें निकलना होता है दिल्ली से, और दिल्ली से निकलते हैं तो क्या दिखता है, वही सड़कें, रश, मिट्टी, ये सब दिखता है। तो काफ़ी रास्ता तो बोरिंग ही हो जाता है। और उसके बाद जब माउंटेन्स, पहाड़ आने शुरू होते हैं तब थोड़ा एंटरटेनमेंट शुरू होता है। तो अभी आगे आके आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ था। जब कहीं रुकूंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टोरी हुई थी, तो और कुछ दिखाऊंगा भी। आज GPS जिस रूट से मुझे ले जा रहे हैं ना शिमला, ये कोई नया रूट है, ये रूट पहले मैंने नहीं देखा। मैं जितनी बार भी शिमला आया हूँ मैंने कोई दूसरा रूट ही देखा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यार, क्योंकि अभी मैं पीछे देख रहा था तो वो एक जगह पे विप्रो भी है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पे पीछे भी एक यहाँ पे स्टील बर्ड की भी फैक्ट्री आई थी, मेरे को जगह का नाम नहीं पता, जगह का नाम देख के ना मैं अभी यहाँ पे डालूंगा जब एडिटिंग करूँगा, तो आपको देख लेना जगह का नाम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे कोई ढलान आती है और मैं बाइक को बंद कर देता हूँ, कितनी शांति है कि मेरे टायर के घूमने की जो आवाज़ आ रही है वो धीरे 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 मुझे सुनाई दे रही है।
ये देख लो बाइक बंद है। मैंने रुक के एक बार पेट पूजा कर ली है, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था क्योंकि मेरे को खाने को पीछे जगह नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है। पहले सबसे पहले आओ बाइक देखो, ये देखो बाइक पूरी लदी पड़ी है। तो जो मैं स्टोरी बता रहा था, हुआ क्या था बेसिकली, जो मेरे पास पहले सैडल बैग थे वो मेरा फ्रेंड लेके गया हुआ था, तो मेरे पास कोई भी सैडल बैग नहीं थे। देन मैंने क्या किया, मैं घर से ऐसे तो निकल गया ये वाले बैग लेके, बड़े वाले बैग लेके, बट इतना बुरा हाल हो गया कि रास्ते में मेरे से बैठा ना जाए। फिर मुझे चंडीगढ़ जाके स्पेशल एक नया जोड़ी सैडल बैग खरीदने पड़े, जो लगा के फिर मैं ये लेके आया। तो वो मैं अभी लेके आया हूँ बीइंग बाइकरहुड के। तो ये नए सैडल बैग लेके आया हूँ, बहुत अच्छे सैडल बैग हैं। और इनके ढाबे पर अभी मैंने खाए हैं कड़ी और रोटी, मज़ा आ गया, बहुत स्वाद था। अभी आज का प्लान थोड़ा सा चेंज है, चेंज बोले तो मुझे इन्होंने ही बताया कि पहले मैंने जाना था यहाँ से सीधा शिमला, अब मैं शिमला नहीं जाऊँगा, अब मैं यहाँ से जाऊँगा बसंतपुर, बसंतपुर में स्टे करूँगा और देन वहाँ से कल निकलूँगा। शक्ल बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई पड़े हैं, अब आज ऐसे ही ब्लॉग दिखेंगे, कल से आपको बढ़िया से दिखाता रहूँगा रुक रुक के। आज मेरे को ये था कि यहाँ पे पूरा लोकेशन में आ जाओ। तो इनके ढाबे पे, आपका नाम क्या है? लक्की जी। इनके ढाबे पे हमने अभी नाश्ता किया, तो अब आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा से। अभी बिलासपुर है यहाँ से 40 किलोमीटर। शक्ल बहुत बुरी तरह बिगड़ी पड़ी है। हुआ क्या कि जब मैं बाइक का काम करवा रहा था ना, वहाँ सैडल लगवा रहा था, तो वहाँ पे क्या दिक्कत हुई कि मेरा जो जिससे मैं बीएड बांध के रखता हूँ वो कहीं रह गया। अब बाकी जो उनसे हैं वो बैग में पैक हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही ठीक है, इसलिए थोड़ा बिका पड़ा है। तो कोई नहीं, और पेट्रोल पंप यहाँ से आधा किलोमीटर है, तो बस फटाफट से यहाँ से पेट्रोल रीफिल करवाएंगे, उसके बाद हम सीधा मिलेंगे आपको बिलासपुर, वहीं जाके बुकिंग करेंगे होटल, वहाँ पे स्टे करेंगे, वहाँ से कल निकलेंगे। मैं 86 ना जी, 86 का बुलेट लेके मैं कलकत्ता गया था। हाँ जी, अच्छा बुलेट लेके कलकत्ता। हाँ चासी इधर हिमाचल तो ही इतना, बिलासपुर तो, बिलासपुर तो। वाह, अपने घर दुकान मोटे मोटे माटे संभाल दे काम, बस ठीक है ना भाई। हाँ जी। सो, अभी हम बिलासपुर में थोड़ा सामान लेना था बाइक का, वो लिया, एक्स्ट्रा कैरी किया है, और अंकल की शॉप है, इन्होंने काफ़ी कुछ मेरे को डिटेल में बता दिया कि कैसे कैसे करूँ मैं। तो अभी यहाँ पे ना मेरे को एक दो चीज़ें और लेनी है, वो लेता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं हम। तो अभी जहाँ पे मेरा होटल है ये वाला नीलम होटल एंड बार, और मेरे होटल के बिल्कुल सामने ये मॉल है, विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड्स, सब कुछ है यहाँ पे, तो बढ़िया होटल है। अब एक काम करते हैं, अब मैं आराम से अंदर जाके रेस्ट करूँगा, डेटा कॉपी करूँगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। आज की जो वीडियो थी वो इसी तरह की थी, क्योंकि ट्रैवल ज़्यादा था, कल से आपके लिए ट्रैवल और एडवेंचर दोनों बनाएंगे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो आपका मन करे करो, मैं भीग के आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रूर करना। बाय बाय।